हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ गुप्ता, यानी कि गुप्त डायनेस्टी को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन पीरियड, इन्वेजन, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो आज हमारी स्टार्टिंग है गुप्त डायनेस्टी, आप कह सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने फॉरेन इन्वेजन्स पढ़े, पोस्ट मौर्यन पीरियड में नेटिव इन्वेजन्स पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, गुप्त डायनेस्टी की एक तरह से स्टार्टिंग होती है। नाउ द फॉल ऑफ कुशाना एम्पायर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्त एम्पायर। अब कुशान एम्पायर का जैसे फॉल स्टार्ट होता है, वहीं से हमें मिलता है कि राइजिंग जो है गुप्त एम्पायर की स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आज हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इंट्रोडक्शन के फाउंडर कौन थे, थोड़ा बहुत एरिया या कुछ भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं गुप्त डायनेस्टी के बारे में, प्लस सोर्सेज, यानी ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ गुप्त डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें पढ़नी, तो आप फटाफट से अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कुशानों का एंडिंग स्टार्ट होती है, उनका फॉल स्टार्ट होता है, वहीं से गुप्त एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट या फिर उनका राइज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इनका जो एरिया था नॉट एज लार्ज एज मौर्यस, मौर्य जो थे ना वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करके बैठे हुए थे, बट इनका यानी गुप्त डायनेस्टी में जो जितने भी रूलर्स आएंगे, गुप्त रूलर्स, इनमें से किसी का भी एरिया इतना वास्ट नहीं था जितना कि मौर्यों का। बट इनके बारे में एक प्लस पॉइंट क्या था, दे केप्ट नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी। नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी भारत, तो इन्होंने क्या किया, उत्तरी भारत को जोड़ के रखा था फॉर मोर देन अ सेंचुरी, मतलब 100 सालों से भी ज्यादा टाइम के लिए इन्होंने पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया था उसे कंबाइन करके, इंटैक्ट करके, यूनाइट करके रखा हुआ था, ठीक है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। ये जो पीरियड है, ये जो काल है, इसे हिंदुइज्म का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। दे बिलोंग टू वैश्य कास्ट। अब जो गुप्तास थे ये वैश्य कास्ट को बिलोंग करते थे, हम पढ़ते हैं ना क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार हमारे वर्ण सिस्टम है, तो उसमें जो थर्ड क्लास होती है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है हमारी वैश्य कास्ट, तो उससे ये बिलोंग करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि इसके फाउंडर कौन थे, राइट। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लस अब मैं डेली करंट अफेयर्स भी अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं, 10 से 15 या 17 पॉइंट्स में डिस्कस करती हूँ, जो मुझे बेस्ट लगते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से मैं लेती हूँ, डिफरेंट वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन से, तो जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उनके आने की, वो सब मैं अपने डेली पॉइंट्स में कवर करती हूँ, डेली करंट अफेयर्स में कवर करती हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। फाइन, हम बात कर रहे थे कि फाउंडर कौन थे गुप्त डायनेस्टी के, ठीक है, वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, उसके बाद उनके बेटे आए घटोत्कच, और उनके बाद उनके बेटे आए चंद्रगुप्त वन, ठीक है। अब जो श्रीगुप्त है और घटोत्कच है, इनके बारे में कुछ ज्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो हम जब स्टार्टिंग करते हैं हम चंद्रगुप्त से ही स्टार्टिंग करते हैं, तो इनके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे जब रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट श्रीगुप्त एंड घटोत्कच फर्स्ट थिंग, तो इनके बारे में ज्यादा चीजें पता है नहीं। दूसरी चीज, इन दोनों ने ही सेम टाइटल लिया था जो कि था महाराजा का, किसने, श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच ने। फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, उनके बाद उनके बेटे आए घटोत्कच, उनके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर आते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम रूलर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड, अब जो ये गुप्त एरा था इसे और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया जो है उसकी क्लासिकल एज, ठीक है, इससे भी कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक सी चीजें आज हम कवर कर रहे हैं, कुछ खास नहीं पढ़ रहे हैं, बट होता क्या ना कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट को छोटा या बड़ा नहीं मान सकते, है ना। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज, सोर्सेज मतलब स्रोत जिनसे हमें ये पता लगता है कि हाँ गुप्त डायनेस्टी जो है ये सच में एग्जिस्ट करती थी। तो कैसे पता लगता है, इसके लिए 3 सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज, सेकंड है एपिग्राफिकल सोर्सेज, एंड थर्ड है न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। सो डोंट वरी, अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता वो भी मैं अच्छे से बताऊंगी। पहला आता है लिटरेरी सोर्सेज, बट इसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, तो अगर अब आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, हम पढ़ रहे थे सोर्सेज के बारे में, हमने जाना कि 3 तरह के सोर्सेज हैं, लिटरेरी, एपिग्राफिकल एंड न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज।
सो लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? लिटरेरी मतलब लिटरेचर, कुछ लिखा हुआ, लिखा जोखा। लिखा जोखा हमें कहीं मिल गया, किसी किताब में लिखा है, किसी अकाउंट में लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है, जहां से हमें पता लगता है कि हाँ गुप्त डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। तो लिटरेरी का मतलब आप समझ गए, लिटरेरी सोर्स मतलब लिटरेचर रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले इसमें आते हैं पुराण। नाउ पुराण हमें क्या बताते हैं? हमने पढ़ा है पुराण कितने थे, 18 पुराण थे, थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा था, तो बस उन्हीं पुराणों की हम बात कर रहे हैं। वैदिक ईरा के टाइम में हमने पढ़ा था, राइट? तो पुराणों से हमें पता लगता है जीनियोलॉजी ऑफ गुप्ता किंग्स, जो गुप्त रूलर्स थे, गुप्त शासक थे, इनकी जीनियोलॉजी के बारे में पता लगता है। जीनियोलॉजी क्या होती है? फैमिली हिस्ट्री, कि हाँ पहले ये राजा हुए, फिर ये राजा हुए, इन्होंने ऐसा किया, फिर वो राजा, उस तरह से एक सिक्वेंस हमें पता लगता है। उनकी फैमिली मतलब फादर कौन थे, किसके वंशज थे, वो सारी चीज़ें हमें इससे पता लगती है, किससे? पुराणों से। आगे चलते हैं, देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्र राक्षसम। मुद्र राक्षसम किसने लिखी है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, विशाखा दत्त ने लिखी है। ठीक है, सो देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्र राक्षसम, ये दो लिटरेचर्स हैं, इन दोनों से हमें पता चलता है राइज ऑफ द गुप्ताज, यानी गुप्त डायनेस्टी का राइज। आप समझते हैं ना, राइज मतलब कि उनका, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलेंगे, बट उनका स्टार्टिंग कैसे हुई, पहले थोड़ा एरिया कवर किया, फिर ज्यादा ज्यादा एक्सपेंशन कैसे हुआ, उनका राइज कैसे हुआ, कैसे वो ऊपर उठे, है ना, इस सब के बारे में हमें इन दो लिटरेचर्स में पढ़ने को मिलता है। फिर है फाहियान अकाउंट्स। फाहियान कौन थे? ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइना से इंडिया आए थे, तो इन्होंने कुछ अपने वैल्यूबल अकाउंट्स यहाँ पे छोड़े हैं, जिनसे हमें पता लगता है सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ गुप्ता एम्पायर, जो गुप्त एम्पायर थे उनके सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, रिलीजियस माने धार्मिक कंडीशंस क्या थी। ठीक है, उन सब के बारे में गुप्त एम्पायर की हमें पता लगता है। सो लिटरेरी सोर्सेज में कहीं भी देखिए क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको मान लीजिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी और ने अगर ये पॉइंट्स नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, आप अलग से इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि तीन तरह के सोर्सेज थे, लिटरेरी थे, एपिग्राफिकल थे, न्यूमिस्मेटिक थे। लिटरेरी सोर्सेज में हम पुराणों का, देवी चंद्रगुप्त, मुद्र राक्षसम एंड फाहियान अकाउंट्स का जिक्र कर सकते हैं। फाइन, अब हम पढ़ेंगे एपिग्राफिकल सोर्सेज के बारे में। एपिग्राफिकल सोर्सेज तो पढ़ेंगे, बट पहले एपिग्राफी क्या होती है ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। सो एपिग्राफी होती है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और राइटिंग्स। इंस्क्रिप्शंस आप समझते हैं, किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ खुदाई करते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। राइटिंग्स मतलब कहीं से आपको कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ से रॉक का कोई चट्टान उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला है, ठीक है, वो सब क्या थी, एपिग्राफी कहलाती है। और इस तरह के सोर्सेज क्या होते हैं, एपिग्राफिकल सोर्सेज कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एंड अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन क्या बताती है, अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चंद्रगुप्त वन, ठीक है। सो मेहरौली, अब देखिए ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, यहाँ पे चंद्रगुप्त वन आते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बट कोई बात नहीं, आप जैसे एक दो तीन बार आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, चंद्रगुप्त वन अलग थे, ठीक है। सो मेहरौली, अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने मौर्य डायनेस्टी पढ़ के कंप्लीट किया ना, तो शायद मैंने जल्दी जल्दी में वहीं से लिख दिया होगा, बट यहाँ पे आपने चंद्रगुप्त वन लिखना है, ठीक है। सो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन क्या बताती है, चंद्रगुप्त वन की जो भी अचीवमेंट्स थी, उनकी आप कह लीजिए उपलब्धियां थी, उस सब के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि हाँ चंद्रगुप्त वन सच में एग्जिस्ट करते थे, मतलब गुप्त डायनेस्टी सच में थी, राइट। सेकेंड है हमारा एपिग्राफिकल सोर्स अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इससे हमें क्या पता चलता है, रियान ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के रियान, आप समझते हैं ना, शासन के बारे में पता चलता है, हिज पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स, ये भी हमें इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी, राइट। नाउ अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये अशोकन पिलर पे एनग्रेव्ड है। अशोका के हम पिलर्स पढ़ते हैं, पिलर एडिक्ट 7 थे, तो उनमें से एक में जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। रिटन इन क्लासिकल संस्कृत, जो क्लासिकल संस्कृत भाषा है उसमें लिखी हुई है, यूजिंग नगरी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी बता दिए, नगरी स्क्रिप्ट यूज करके, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 33 लाइन्स कंपोज्ड बाय हरिसेन। हरिसेन ने जो है 33 लाइनें इसमें देखिए लिखी थी, तो उन 33 लाइन्स को यहाँ पे इन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो अब इसी के साथ एपिग्राफिकल सोर्सेज हो गए कंप्लीट। कहीं पे क्वेश्चन आया तो आप बहुत अच्छे से, यहाँ तो मैंने देखिए शॉर्ट में लिखा होता है, आप अपने वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन कीजिए कि एपिग्राफी क्या होती है, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे हमें दो एग्जांपल्स मिलते हैं, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि एनग्रेव्ड अशोकन पिलर पे। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतने अच्छे मैंने शॉर्टकट में आपको पॉइंट्स बता दिए, आप इनको इलेबोरेट करके लिखिए, एंड आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट बचता है न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज।
इसके लिए भी जानना जरूरी है कि न्यूमिस्मेटिक होता क्या है। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माय हैंड रिटन नोट्स। प्लस साथ में देखिए मेरी यूट्यूब वीडियोस, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको यूट्यूब वीडियोस भी मिल रही हैं, उन्हीं वीडियोस के नोट्स भी मिल रहे हैं, तो आपका काम जो है बहुत अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। फाइन, हम थोड़ा भटक गए टॉपिक से। हम बात कर रहे थे न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज के बारे में। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। जब कॉइन्स की स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि हमें प्राचीन काल के कौन कौन से कॉइन्स मिले हैं, क्या उसमें से किसी में पता चलता है कि हाँ गुप्त जो रूलर थे उनमें से किसी के कुछ होता है ना कॉइन्स पे, कोई वीणा बजाते हुए दिखाई देता है, कोई अपनी पत्नी के नाम पे कॉइन्स इशू करता है, जैसे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे जो है गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, दिनारस बोलते थे उनको, है ना, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज क्या हो गए, न्यूमिस्मेटिक क्या हो गया, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, हमें कुछ कॉइन्स ऐसे मिलते हैं जिनमें टाइटल्स होते हैं राजाओं के, महाराजाओं के, कि इसने बलि दी है, सेक्रीफाइस दिया है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये वाली डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, काफी शॉर्ट वीडियो था, ऐसे बहुत लंबी वीडियो नहीं थी, हमने कंटेंट भी बहुत कम कंप्लीट किया है, बट मैंने आपको, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, आप अपना लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सकूँ, कि कोई भी वर्ड ऐसा ना हो कि आपको उसका मीनिंग ना पता हो या आपको कुछ समझ ना आए, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बाकी आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको लेक्चर कैसा लगा, जो भी मैंने आपको समझाया समझ में आया या समझ में नहीं आया। मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि नॉर्थ इंडिया को इन्होंने यूनाइटेड रखा था फॉर मोर देन अ सेंचुरी, गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म बोलते हैं, वैश्य कास्ट से बिलोंग करते थे, श्रीगत घटोत्कच दोनों ने टाइटल लिया था महाराजा, फाउंडर थे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया बोलते हैं। सोर्सेज आपने तीन बिल्कुल रट लेने हैं, लिटरेरी, एपिग्राफिकल एंड न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, इनके बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने नोट्स मेंटेन करते रहें, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।